मोमिन फकत एहकाम इलाही का है पाबंद। आप हजरात को अल्लाह सलामत रखे। आप लोगों का हर मसले में हमेशा रवैया बहुत पॉजिटिव और मुस्बत रहता है। हमारी बदकिस्मती यह है कि इस्लाम में जज्बात का वजूद नहीं है, अक्ल का पर जोर दिया गया है, मगर मुसलमानों के सारे फैसले सन 47 से आज तक सब जज्बाती फैसले हो रहे हैं। उसी का हमको बहुत नुकसान पहुँच रहा है। उसकी वजह से हमने इस वक्त ये मुहिम शुरू की है कि हम हिंदुओं के यहाँ जा रहे हैं खूब, उनके जलसों में, उसके सेमिनार में, उनकी कथाओं में, और हम उनको ये बताते हैं कि आप जिस शरीयत इस्लामी से इतनी नफ़रत करते हैं वो इस लायक नहीं कि आप नफ़रत करें। उसकी ये रीज़निंग है, ये असबाब है, ये तो उसका असर पड़ता है। मेरी गुजारिश ये जुमला मैंने इसलिए किया है कि जहाँ आप मुसलमानों को समझाएँ कि वो शरीयत पर अमल करें, जो नहीं कर रहे हैं, शिया तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, हमको अच्छी बातें नहीं है, आपसे सब रस्म और रवाज में घिरे हुए हैं, वहाँ अहले हुनूर को बताएं कि हमारी शरीयत जो है उसमें उसके जो फंडामेंटल्स हैं उसमें उन फंडामेंटल्स में कोई ऐसी बात है ही नहीं कि जिसकी मजम्मत की जा सके। तो हिंदुओं को भी समझाने की ज़रूरत है कि हमारी शरीयत कोई हैपजर्ड वे में बनी हुई नहीं है, ये एक मुनज़्ज़म निज़ाम है, इसके पीछे की रीजनिंग्स हैं, और उसमें कोई भी फाउंडेशन या बुनियाद ऐसी नहीं है जिसकी कोई भी आकिल इंसान या अक्लमंद इंसान मजम्मत कर सके। इसको बहुत समझदारी के साथ फैलाना है। इंशाल्लाह अल्लाह आप हज़रात के इरादों को कामयाब करें।